क्या लग रहा कि अभी जैसे पेशी मेडिकली अनफिट है, उसके डॉक्टर ने भी मुन्ना भदरंगी को कह दिया यकीन है कि उनके साथ इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है कि उन्हें किसी भी तरह जेल से बाहर लाया जाए और उनका फर्जी एनकाउंटर कर दिया जाए। कौन लोग रच रहे हैं ये फर्जी साजिश? ये फर्जी साजिश हमारे यूपी एसडीएम और पुलिस और जो हमारे कुछ सफेद पोश नेता हैं, कुछ प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो अपने निजी व्यक्तिगत लाभ के लिए भी जो है चाहते हैं कि इनकी हत्या हो जाए और उसके तहत इन लोगों का ये प्लानिंग चल रही है कि इनको कैसे भी बाहर लाया जाए। अभी बागपत का ही केस है, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। बागपत के केस में इनका हमारे पति का कोई भी हाथ नहीं है। अगर उनको कुछ साक्ष्य या प्रमाण मिले हैं तो वो एक मोबाइल है, उस मोबाइल के थ्रू उनको ये पता चला कि किसी ने इनके नाम से धन वराही की है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ भले उस मोबाइल का ले जा सके वॉइस, उसका जो आवाज है उसकी पुष्टि करें कि वो उन्हीं की आवाज है, और अगर वो पुष्टि हो जाती है तब केस में उनको वहां ले जाए, उनके खिलाफ भी वारंट जारी कर दिया जाता है कि उन्हें जो है वहां जाना पड़ेगा और भी वारंट जारी करने का बताइए कैसे भी वारंट जारी कर सकते हैं जब कोई साक्ष्य नहीं है कुछ नहीं है तो भी वारंट कैसे निकाल सकते हैं। बस वो सिर्फ ये चाहते हैं कैसे भी उनको यहां से निकालकर ले जाया जाए, इसी वजह से उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, उन्हें कई तरह की बीमारियां हैं जैसे सर्वाइकल है, ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, बहुत ज्यादा रहता है और आंखों की भी प्रॉब्लम है और कुछ भी है। तो इस तरीके की बीमारियों के वजह से उनका न्यायालय के आदेश पर एम्स द्वारा एम्स के जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनके द्वारा जो है उनका इलाज चल रहा है। इसके बावजूद भी वहाँ के पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा वहाँ जाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।